सहजनवा थाना क्षेत्र में 7 मार्च की रात को राजेंद्र सिंह निवासी भैसहा थाना सहजनवा का गांव के बाहर लाश मिली थी। उनकी पत्नी गीता देवी सहजनवा थाने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मृतक राजेंद्र सिंह की पत्नी गीता देवी का प्रेमी सोनू गुप्ता के साथ अवैध संबंध था। सोनू ने अपने दोस्त कमलेश के साथ मिलकर घर पर ही राजेंद्र सिंह की गला दबाकर हत्या कर दिया और मृतक के शव को गांव के बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सहजनवा प्रभारी निरीक्षक अंजुल कुमार चतुर्वेदी ने तत्परता दिखाते हुए वादनी अभियुक्त गीता देवी, पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, पुत्र कृष्ण दयाल सिंह निवासी भैसला थाना सहजनवा के ऊपर शक होने से गंभीरता से पूछने पर वादनी अपना गुनाह कबूल करती हुई सत्यता उजागर कर दी। सहजनवा पुलिस ने गीता देवी व सोनू गुप्ता, पुत्र रोहित गुप्ता निवासी बरईपार थाना सहजनवा को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 50,000 नकद बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का नकद इनाम दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रमुख रूप से प्रभारी निरीक्षक सहजनवा अंजुल कुमार चतुर्वेदी, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह यादव, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह तोमर, कांस्टेबल विजय यादव, कांस्टेबल अमित यादव, विश्वेंद्र यादव, महिला आरक्षी नेहा कुमारी, महिला आरक्षी वर्षा प्रजापति मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 8 मार्च को शाम को 3 बजे एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान कराने पे वो राजेंद्र सिंह का पाया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके और विवेचना की गई तो ये विवेचना से पाया गया कि मृतक राजेंद्र सिंह की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने एक अन्य अभियुक्त के साथ मिल करके कराई है। ये अपने जो मृतक अपनी पत्नी से इसके संबंध अच्छे नहीं थे और इसकी पत्नी इससे प्रताड़ित रहती थी। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे संपर्क करके इसने एक कमलेश नामक व्यक्ति से इसकी हत्या कराई जी। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और एक अभियुक्त अभी गिरफ्तार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसमें 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रभारी निरीक्षक सहजनवा को दिया। इसमें उसके पास से जो पैसे गए थे वो पैसे की बरामदगी हुई है और सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है।